हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपको भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है टाटा पावर की तरफ से। यहाँ पे बल्क हायरिंग निकाला गया है, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के लिए यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा और असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस को मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रहेगा 700+ का और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। अब बात करते हैं यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने बीवीटेक किया बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे फॉर्म फीस 0 रुपए है। इसीलिए जो जो स्टेप्स वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप आराम से अपने मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को जरूर से कमेंट करके बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, कौन से ट्रेड के अंदर आपने आईटीआई किया है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से अपने मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे कि अप्लाई नहीं हो रहा। मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी लिंक्डइन की तरफ से। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर में जाके मेरे भाई लिंक्डइन ऐप डाउनलोड कर ले, बहुत बढ़िया बढ़िया रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली जाती है। डायरेक्टली एचआर यहाँ पे बैठे रहते हैं जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोस्ट करते रहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एचआर ने ही पोस्ट किया है, ठीक है। और अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पर डे 10 से 15 जॉब्स अपडेट मैं शेयर करता रहता हूँ जो कि इंजीनियरिंग ब्रांचेस से लाइक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वैकेंसी अपडेट किया गया है श्याम सुंदर चौधरी के द्वारा, ये वैकेंसी अपडेट किया गया है जो कि यहाँ पे हेड है एचआर के अंदर टाटा पावर की, एचआर आपको देखने को मिलेंगे, हेड एचआर यहाँ पे रहने वाले और 4 घंटे पहले ही यहाँ पे इन्होंने जॉब पोस्ट डाला है। ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन की बात करें, यहां पे उड़ीसा की जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी और आप सभी को पता होगा टाटा पावर और उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो वैकेंसी निकाली गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट जो भी ब्रांचेस है वो यहां पे एलिजिबल रहेंगे अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर बीबीटेक किया है। आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो भी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्होंने एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा, 0 to 1 year का एक्सपीरियंस है, मतलब कि अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल आप एलिजिबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें उड़ीसा जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, उड़ीसा जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना मेल आईडी दे रखा है, इस मेल आईडी पे आपको अपने सीवी को क्या कर देना है, मेल। कैसे मेल करना है, कवर लेटर के साथ आपको मेल करना है। आपके पास सीवी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपका सीवी का जो फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। कवर लेटर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और आपको जो सीवी रहेगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इवन कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा,
फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीबीटेक किया या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना, और बीबीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया तो बीबीटेक को हटा देना, आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा, जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर, फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीबीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे, जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसी पे आपको मेल करना है। ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। हम बता रहा हूँ कि आपको मेल कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कंपोज का, तो आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका मेल आईडी रहेगा, जिस भी मेल आईडी पे आप मेल करना चाहते हैं, जो मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको कॉपी करके यहाँ पे 2 के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डाल देना है। देन फिर आता है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर आता है कंपोज ईमेल, तो आपको मैंने जो कवर लेटर दिया है उसको आपको यहीं अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपको कवर लेटर को कर देना है कॉपी, आप इसको एडिट कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है। नॉर्मली आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है। डियर सर मैम ये आ जाएगा और नेम को हटा के आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आपको सीवी को कैसे अटैच करना है, ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अटैच फाइल का, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने ड्राइव के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिस भी ड्राइव के अंदर आपका सीवी है रिज्यूम है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डायरेक्ट का सेंड का, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक, ये डायरेक्टली आपका मेल सेंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए मिला सके। एंड व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक्डइन फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।